नमस्कार साथियों, आपसे अवगत करा देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने कल एक वीडियो वीडियो तो नहीं बना पाया लेकिन मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या वो समझ में नहीं आया। स्क्रीनशॉट में क्या था कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा की संशोधित समय सारणी में आंशिक परिवर्तन करने विषयक। आपका जो टाइम टेबल पहले जो जारी किया गया था उसको छोड़िए, अभी वापस आपके जो परीक्षा 1 तारीख मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली थी उसमें अंदर कुछ थोड़ा सा बदलाव किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। क्या बदलाव किया गया है आइए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक टाइम टेबल देखिएगा आप, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये गवर्नमेंट ने कल जारी किया था। इसमें क्या बताया गया है कि कक्षा 9वीं और 11वीं की जो पूर्व में समय सारणी बनाई गई थी उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। कौन कौन से पेपर में परिवर्तन हुआ है? कक्षा 9वीं विज्ञान, पूर्व में आपकी जो दिनांक मतलब तारीख 3 तारीख को 3 अप्रैल को आपका पेपर था विज्ञान का, समय था उसका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, अब उसको बदल दिया गया है। आपका पेपर वही रहेगा 3 तारीख को लेकिन टाइम पेपर देने का 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, ये परिवर्तन हुआ है। बात करें हम कक्षा 9वीं की तो मराठी मूक बधिर तथा दृष्टिहीन छात्रों के लिए पेंटिंग गायन वादन तबला पकावज कंप्यूटर आदि, इन छात्रों का जो पहले पेपर था वो 5 तारीख को था, समय था 9 बजे से 12 बजे तक, लेकिन अब पेपर वही रहेगा 5 तारीख को लेकिन टाइम चेंज कर दिया गया है, 2 बजे से 9 बजे तक होगा। 11वीं में क्या परिवर्तन हुए हैं? जो दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं और अगर अब आपको लगता है कि हमें वीडियो पूरा समझ में आ चुका है तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि क्या परिवर्तन हुआ था ताकि उनको स्पष्ट हो सके। बहुत सारे हमारे जो दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल के माध्यम से उनको समझ नहीं आ रहा था, इस कारण से तबीयत खराब होते हुए भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी शेयर जरूर करिएगा। हिंदी का पेपर कक्षा 11वीं की बात कर रहे हैं, हिंदी का पेपर आपका 3 तारीख को है, ठीक है, 3 तारीख को पेपर था। स्टूडेंट्स 3 तारीख को आपका पेपर था कितनी बजे? 9 बजे से 12 बजे तक, लेकिन अब वो पेपर भी आपका 3 तारीख को ही रहेगा लेकिन उसका समय परिवर्तन हो गया है, 2 बजे से 5 बजे तक आपका पेपर चलेगा। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की कर रहा हूँ, ना कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों की। अंग्रेजी का पेपर कक्षा 11वीं का 5 अप्रैल को है, वो कितनी बजे था? 9 से 12, लेकिन अब वो 5 तारीख को ही रहेगा लेकिन समय 2 से 5 बजे तक। मनोविज्ञान का पेपर 12 तारीख को है, 12 अप्रैल को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, लेकिन अब समय परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ पर दिन परिवर्तन हो गया, अब 12 की जगह 17 तारीख को आपका पेपर होगा मनोविज्ञान वालों का। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, मैंने सोचा मेरे सभी दोस्तों को मैं अवगत करा देता हूँ, कुछ कमेंट भी मेरे पास आए थे हमें समझ में नहीं आया है, तो आप सभी एक बार अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा इस अपडेट को, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी प्रकार आपकी परीक्षा संबंधित अपडेट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे सभी दोस्तों को, आपके जो पेपर होंगे उनसे संबंधित आपकी महत्वपूर्ण तैयारी करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।